हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम 50,000 के प्राइस पॉइंट में बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें आप प्रो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या ब्लॉगिंग भी करना चाहें तो इनके कैमरे से आपको बेस्ट क्वालिटी देखने को मिल जाए। साथ ही इन फोन्स में आपको काफी तगड़े चिपसेट देखने को मिल जाएंगे, जिनसे यदि आप गेमिंग या कोई भी हैवी टास्क करते हैं तो इनमें आपको लैग या फ्रेम ड्रॉप जैसे इशू देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमने सारे फोन्स को काफी रिसर्च और एनालिसिस के साथ फीचर वाइज रैंक किया है, जिससे आप अपने लिए बेस्ट फोन सेलेक्ट कर पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो नंबर 5 पर है OnePlus 10T स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.7 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो HDR10 प्लस भी सपोर्ट करती है। साथ ही 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। गाइस, इस OnePlus 10T के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30 FPS पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4800 mAh की बैटरी मिलती है, और ये फोन 150W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+Gen 1 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप कोई भी हैवी टास्क स्मूथली कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 8,20,000 के एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले और बैक दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। साथ ही ये फोन 205 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 11 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 12GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 52,499 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है ओप्पो रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो HDR10 प्लस भी सपोर्ट करती है। साथ ही 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। गाइस, इस ओप्पो रेनो 8 प्रो के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30 FPS पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप 30 FPS पर फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 80W के फास्ट चार्जर के साथ 4500 mAh की बैटरी मिलती है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन MediaTek Dimensity 8100 Max 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 7,20,000 का एंटूटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और ये ग्लास बैक के साथ आता है। साथ ही ये फोन 183 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 12 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 45,999 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है Vivo X80 स्मार्टफोन, जिसमें आपको 6.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो HDR10 प्लस भी सपोर्ट करती है। साथ ही 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। गाइस, इस Vivo X80 के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 30 FPS पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, और इससे भी आप 30 FPS पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है। इसके अलावा ये फोन 80W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन MediaTek Dimensity 9000 लेटेस्ट पावरफुल 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप तगड़ी गेमिंग कर पाएंगे। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 9,94,000 का एंटीट्यूड स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो ये ग्लास बैक और इको लेदर बैक के साथ आता है। साथ ही ये फोन 206 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 10 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप
8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट लेते हैं तो ये आपको 54,999 का देखने को मिल जाता है। सो नंबर सेकंड पर है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE, जिसमें आपको 6.4 इंचेस की डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो SDR10+ भी सपोर्ट करती है। साथ ही 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट और 240Hz के टच सैम्पलिंग रेट के साथ आती है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है, जिनसे आप 60fps पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आप 30fps पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 25W के फास्ट चार्जर के साथ 4500mAh की बैटरी मिलती है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन सैमसंग एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर के साथ आता है, जिसमें आप कोई भी हैवी टास्क और गेमिंग स्मूथली कर सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 7,53,000 का एंटीटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और ये प्लास्टिक बैग के साथ आता है। साथ ही ये फोन 177 ग्राम्स का देखने को मिलता है, जो कि काफी लाइट वेट है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 7 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, जो 5G नेटवर्क के साथ बहुत ही अच्छे से काम करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट लेते हैं तो ये आपको 54,999 का देखने को मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें। सो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आईफोन 12, जिसमें आपको 6.1 इंचेस की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो SDR 10 विद डॉल्बी विजन के साथ आती है, जिसमें आपको कंटेंट देखने में स्क्रीन कलर्स तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। इस आईफोन 12 के कैमरे की बात करें तो इसमें आपको रियर में डुअल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, जिनसे आप 24fps पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, और इससे भी आप 24fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 2815mAh की बैटरी मिलती है, और ये फोन 20W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। गाइस, सिक्योरिटी पर्पस से इसमें फेस अनलॉक मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन एप्पल A14 बायोनिक 5nm वाले चिपसेट के साथ आता है, और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 6,21,000 का एंटीटू स्कोर देखने को मिल जाता है। गाइस, यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले और बैक दोनों में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। साथ ही ये फोन 164 ग्राम्स का देखने को मिलता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो इस फोन में आपको 17 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें iOS वर्जन 14 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। गाइस, यदि इस फोन में आप 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 54,999 का देखने को मिल जाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें।